वेलकम टू माय चैनल। और आज हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर का क्या मतलब था? जिसके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन हो, ठीक है, साथ में डायरेक्शन हो। अब जैसे वेक्टर का, ये तो ही वेक्टर की बात, और वेक्टर का कंसेप्ट है जो, कहाँ से आया था वेक्टर का कंसेप्ट? यहाँ पर डायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से आया था, ठीक है। जैसे कोई भी लाइन है, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइन हो सकती है, एल लेंथ हो इस तरीके से, ठीक है, और उसमें अगर कोई डायरेक्शन हो और साथ में सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट या फिर छोटा हिस्सा। जैसे ए से बी की बात करें तो, ठीक है, ए से बी की बात करें तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर तीन बातें हैं, एक तो डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब ए से बी बात हो रही है या फिर बी से ए बात हो रही है, ए से बी बात हो रही है या फिर बी से ए, ठीक है। और इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पर डिफरेंस है, वो है माइनस साइन, ये बात याद रखनी है, ठीक है, माइनस साइन का। जैसे ए से बी और साथ में वेक्टर, वेक्टर की नोटेशन थी ए वेक्टर की, मतलब इस तरीके से जनरली हम शो करेंगे, ए वेक्टर हो सकता है, कोई बी वेक्टर हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अब जैसे ए से बी की बात की और यहाँ पर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन की बात करें, तो तीन कंडीशन थी। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर थी मैग्नीट्यूड की, ठीक है, मैग्नीट्यूड। दूसरी कंडीशन थी यहाँ पर सीधी सी बात है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। अब जैसे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब ए से बी, ए से बी का मतलब छोटा पार्ट, सही बात है, मतलब सेगमेंट का मतलब, ये मैग्नीट्यूड होगा। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब डायरेक्टेड, या फिर डायरेक्शन कोई सेंस कह देते हैं, ठीक है, सेंस का मतलब, डायरेक्शन का मतलब ए से बी बात कर रहे हैं या फिर बी से ए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट था स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट का मतलब, स्पोर्ट का मतलब लाइन से, मतलब किसका छोटा हिस्सा ये, इसका, ठीक है, ए से बी वेक्टर की बात हो रही है, इसलिए वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ से आया है, या फिर कहें इसका एक छोटा पार्ट है, मतलब ये सिर्फ पहली दो कंडीशन हो तो, ठीक है, ये तो ही वेक्टर की बात। अब बात करनी हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर दो पॉइंट होंगे, दो मेन पॉइंट या फिर दो काम की बात होंगी, किस तरीके से। सबसे पहला कि वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, तो वेक्टर की बात हो तो यहाँ पर ये काम की बात होगी सबसे पहले कि कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, कहाँ से तो शुरू हुआ, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए ए से शुरू हुआ है, ठीक है, और कहाँ पर ख़त्म हुआ, बस ये दो बात याद रखनी है, ठीक है। और इन्हीं को कहते हैं इनिशियल, ठीक है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, सीधी सी बात है, ये काम की बात होगी, ठीक है, इसी को इस तरीके से पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। इनिशियल, इनिशियल का मतलब ए से चल रहे हैं या फिर बी से, ठीक है, और टर्मिनल मतलब कहाँ पर ख़त्म होगा वेक्टर, इस तरीके से, ये है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, अब जैसे हमने ये समझा था कि ए से बी और बी से ए, इस तरीके से माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, इसी को हम जैसे लेट करना हो, जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, ये इसकी नोटेशन थी वेक्टर की, ए वेक्टर है, जैसे ए से बी जाना, हमने ए से बी जा रहे हैं और ये डायरेक्शन है, मतलब ए से बी जा रहे हैं और डायरेक्शन का मतलब एरो तो यही रहेगा, ये नहीं है कि एरो का सिंबल चेंज कर देंगे, एरो का मतलब है डायरेक्शन से, सीधी सी बात है, ठीक है, एरो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर डायरेक्शन को, ठीक है। अब ये तो ही ए वेक्टर की बात है इस तरीके से, ठीक है, और यहीं पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस ए वेक्टर, ठीक है। हमने कहा था कि वेक्टर में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब है डायरेक्शन को चेंज करना, सही बात है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब, ठीक है, तो बी से ए बात हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, बी से ए बात हो जाएगी और एरो का मतलब है डायरेक्शन, सीधी सी बात है, ये तो ही वेक्टर की बात बात ये दो बातें याद रखनी है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें तो कि माइनस ऑफ माइनस ए वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ माइनस ए वेक्टर किसके बराबर होगा, मतलब माइनस ए वेक्टर जैसे यहाँ से लिखना चाहें तो माइनस ए वेक्टर है बी ए वेक्टर के, और एक बार और माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमने कहा था मैग्नीट्यूड तो बराबर रहेगा ए से बी और बी से ए, मैग्नीट्यूड तो बराबर, जैसे एग्जांपल के लिए कह लें, जैसे ये है फाइव, कोई यूनिट है, मतलब 5 मीटर इस तरीके से, ठीक है, डिस्टेंस कहें एक तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये तो ही बराबर बात है। लेकिन अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जैसे यहाँ पर है ए से, ये तो है ए से बी, ये है बी से ए, ठीक है, और अब यहाँ पर उल्टा लिख करेंगे, मतलब ए से बी जाना है वापिस से, ये होगा ए से बी, ठीक है, और इसलिए हम इसको माइनस माइनस इस तरीके से कर दें, माइनस इनटू माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब कर लेते हैं बात टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। अब सबसे पहला टाइप्स ऑफ वेक्टर में है नल वेक्टर,
ठीक है, नल वेक्टर कहें या फिर जीरो वेक्टर कहें, एक ही बात है, ठीक है, जीरो वेक्टर कहें या फिर नल वेक्टर कहें। अब जीरो वेक्टर की नोटेशन ये रहेगी, ये याद रखनी है, जीरो वेक्टर की ये नोटेशन रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होगी, डेफिनेशन का मतलब कोई कंडीशन होती है, जैसे वेक्टर की दो कंडीशन है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की तीन कंडीशन, तो नल वेक्टर की भी कंडीशन होगी, ठीक है। मतलब नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जीरो होगा, सीधी सी बात है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है। और इसी को अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट कराना चाहते हो हम, रिप्रेजेंटेशन का मतलब शो करना, ठीक है, इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड जीरो। अब जीरो का मतलब जैसे ए से ए की बात ही कर रही है, ठीक है, ए से ए तक, मतलब ए से ए मैग्नीट्यूड तो तभी जीरो होगा ना, तब वो उसी पॉइंट की बात हो, ठीक है, ए से ए, लेकिन डायरेक्शन है, इसलिए वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, ए से ए वेक्टर की बात करें, या फिर इसके ये एग्जांपल होंगे, हो सकता है बी से बी इस तरीके से, ठीक है, सी से सी इस तरीके के, ये इसके एग्जांपल होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसी को, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखना चाहें तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से, तो इसी की डेफिनेशन हो सकती है कि इसके इनिशियल, ठीक है, एंड टर्मिनल, ठीक है, दोनों पॉइंट को इंसाइड करेंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट क्या होंगे, को इंसाइड, ठीक है, को इंसाइड का मतलब दोनों पॉइंट मिलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, लेकिन को इंसाइड का मतलब एक पॉइंट पर मिलेंगे, जैसे इस पॉइंट पर, सीधी सी बात है, ए पर, ये यहाँ से चला है, ए से चला और ए पर ही खत्म हो गया, ये नहीं है यहाँ पर, ये बिल्कुल बात नहीं है कि जैसे ए है यहाँ पर है ये, और ये ए से मतलब यहीं पर है, इसका ये मतलब है, ये नहीं है कि जैसे ये घूम के यहाँ पर आ गया, ये बात बिल्कुल नहीं है, ये बात याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद है सेकेंड टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सेकेंड है यहाँ पर यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट या फिर मेन पॉइंट होंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर, सबसे पहले बात, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन, ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, जिसका मैग्नीट्यूड, कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, ठीक है। अब कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की बात, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का सिंबल क्या था, ए वेक्टर, इस तरीके से, ये है वेक्टर का सिंबल या फिर नोटेशन, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का क्या सिंबल था, मॉडुलस लिख दें, एक ही बात है, क्यों, क्योंकि मॉडुलस का मतलब है जीरो या फिर पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस हमेशा रिजल्ट जीरो या फिर पॉजिटिव देगा, और मैग्नीट्यूड भी तो वही बात है, ठीक है, इस वजह से, ये बात भी समझी थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर जिसका, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड वन के बराबर हो, ए वेक्टर हो सकता है, बी वेक्टर हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है, जनरली इट इज डिनोटेड बाई, किस तरीके से कि ये बात लिख दें कि ए कैप, ठीक है, ए कैप पढ़ना इसको, सबसे पहले ए कैप पढ़ेंगे इस टर्म को, ठीक है, यहाँ पर ए और उसके ऊपर इस तरीके का एरो, ठीक है, किसके बराबर होता है ए कैप, जैसे ऊपर वेक्टर और नीचे मैग्नीट्यूड, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने, ऊपर है ए कैप लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वेक्टर, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, वेक्टर है ऊपर और नीचे है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर और सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ठीक है, दो बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, अगर वेक्टर की बात करें तो जो कैप है वो क्या शो करेगी, जो ये कैप लिखी हमने, ये क्या शो करेगी, सीधी सी बात है, डायरेक्शन को, ठीक है, डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। लेकिन अब बात हो रही थी यूनिट वेक्टर की, ठीक है, यूनिट वेक्टर जैसे इस तरीके से कहीं, अगर ए कैप को इस तरीके से कहें, ठीक है, ए कैप यूनिट वेक्टर के लिए ही है, यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है, यूनिट वेक्टर की ए कैप और उसका मॉडुलस वन होगा, अब ये क्यों वन होगा, अब ये बताओ हमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ से लिखना चाहिए हम, ठीक है, इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि ए कैप का मॉडुलस वन क्यों होगा, लेकिन ये सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए होगा, ठीक है। अब ए कैप किसके बराबर था, वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर है ए वेक्टर, नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस सारे का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये वन के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड है तो सीधी सी बात है प्लस का यहाँ पर साइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टर, वेक्टर और मैग्नीट्यूड में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, डायरेक्शन का, इस वजह से,
मैग्नीट्यूड तो बराबर है, वो कैंसिल, तो सिर्फ डायरेक्शन बची या फिर कहीं वन जी इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा था यूनिट वेक्टर के कुछ मेन पॉइंट रहेंगे। सबसे पहला मेन पॉइंट तो यही है कि अभी मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब ये बताओ मैं, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन को, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन किसी भी वेक्टर की, ऑफ ए वेक्टर, सीधी सी बात है, ये बात याद रखनी है। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं, अब जैसे न्यूमेरिकल्स में बात होगी, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो जब भी हमें डायरेक्शन निकालनी हो, ठीक है, जब भी हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ये बात याद रखनी है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्यों फाइंड आउट करेंगे, जब डायरेक्शन निकालनी हो, सीधी सी बात है, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये बात याद रखनी है। यूनिट वेक्टर की ये भी नोटेशन है, इस तरीके से एक है, या फिर इसी को इसको इस तरीके से पढ़ें तो भी एक मतलब है, या फिर इसको इस तरीके से पढ़ें तो भी एक मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद यूनिट वेक्टर का पहला मेन पॉइंट ये है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में जब भी डायरेक्शन निकालनी हो तो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, फिर ये इसकी नोटेशन रहेगी, ठीक है। इसके बाद ये यूनिट वेक्टर की नोटेशन रहेगी, ठीक है, ए कैप इस तरीके से। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है, ठीक है, ये काम का, अब जैसे वी टेक आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, ऊपर को जो ये ऊपर सिंबल है इसको ए कैप पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, आई आई है तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है, ठीक है, वी टेक इन तीनों को एज यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन तीनों को यूनिट वेक्टर लेंगे, ठीक है। लेकिन यूनिट वेक्टर तो किसी डायरेक्शन में होते थे, सही बात है, यूनिट वेक्टर किसी डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर जरूर है ये, लेकिन इन डायरेक्शन, ठीक है, अब तीन डायरेक्शन होंगी, कोमा है तो तीन टर्म है, या फिर कहीं तीन डायरेक्शन है, तीन डायरेक्शन होंगी, एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये बात याद रखनी हमने, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखने, सीधी सी बात है, पहले जब डायरेक्शन निकालनी हो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, और जब एक्स एक्सिस के अलोंग बात आ जाए डायरेक्शन की, तो आई कैप उसका यूनिट वेक्टर होगा, वी टेक इनको यूनिट वेक्टर लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप बन जाएगा, वाई के अलोंग जे कैप, ठीक है, और जेड के अलोंग के कैप, ठीक है। और जो ये कंडीशन लिखी हमने आई कैप जे कैप वाली, इसी को कहते हैं बेसिक वैक्टर, ठीक है, बेसिक वेक्टर क्या होंगे ये बात याद रखनी है, ठीक है, यही बेसिक वेक्टर की डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। आई कैप, जे कैप और के कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन की बात हो तो आई कैप वो होगा बेसिक वेक्टर, जे कैप और के कैप, मतलब इसका इनडायरेक्टली मतलब भी ये भी है कि 3D की बात होगी, जैसे अब तक तो जैसे पॉइंट 2D की बात करें, ठीक है, पॉइंट एक्स कोमा वाई से बनता था, सही बात है, लेकिन 3D में पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड से बनेगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये भी तो है, मतलब तीनों एक्सिस होंगी, ठीक है, तीनों एक्सिस का मतलब क्या है, जैसे अगर एक्स और वाई की बात करें, सिर्फ यहाँ पर है एक्स, ठीक है, ऊपर है वाई, जैसे इस साइड माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे माइनस वाई हो जाएगा, ये तो ही 2D की बात, 2D की बात है, ठीक है, मतलब एक्स इस साइड है, ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट, या फिर कहें ओरिजोनटल तो है एक्स एक्सिस, जैसे इस पेपर पर पढ़ें या फिर नोटबुक में जो भी, ठीक है। अब इस तरीके से अगर ओरिजेंटल की बात हो तो एक्स एक्सिस, वर्टिकल मतलब यहाँ पर वर्टिकल का एक तरीका ये भी है, 90 डिग्री होगा इनके बीच में एंगल, ये बात भी याद करनी है, ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है कि 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल। और जेड जेड, अब जेड किस तरीके से होगा, जेड होगा जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है, इससे ऊपरली साइड, ठीक है, इससे ऊपर जस्ट, ठीक है, मतलब इसको जो ये ऊपर है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं जेड एक्सिस, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ये 2D पर मतलब पेपर पर या फिर जैसे सीट पर दिखाने के लिए इस तरीके से डायरेक्शन, तो इस नीचे माइनस जेड एक्सिस, ठीक है, इसका मतलब क्लियर हो कि पेपर से ऊपर जैसे इस साइड ऊपर, ठीक है, वो तो है जेड एक्सिस, और पेपर के नीचे, ठीक है, जैसे यहाँ पर पेपर है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर पेपर इसके नीचे और एक है इसके ऊपर इस तरीके से, और इसमें भी 90 डिग्री की बात होगी, लेकिन उसको 2D पर इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, और इसको माइनस जेड पढ़ेंगे, इसको प्लस जेड पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ नोटेशन रहेगी, इनका मतलब पता हो हमें, और एक ये बेसिक वेक्टर की बात याद रखनी, ठीक है। और जो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर है इसके नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
तब तक के लिए थैंक यू।